My name is, I'm calling Ravi Kashyap. See, your voice is breaking. There's no problem in my voice here. I've got the best connection. What, can you hear me? Yeah, tell me, sir. Where are you located? Which city? Actually, I'm living in Delhi. New Delhi. Delhi mein kahan rehte hain? Main Vikaspuri mein. हाँ हाँ विकासपुरी तो मेरा जाना पाना एरिया है. वहाँ से पीरागढ़ी से डिस्ट्रिक्ट सेंटर जाते हैं तो दानियात पे पड़ता है विकासपुरी. राइट राइट राइट. क्या बात है, हम तो वहाँ पर हमने जिंदगी निकाल दी. वहाँ से बस लेते, मुद्रिका लेते. आजकल मुद्रिका चलती है कि नहीं चलती? नहीं अभी तो सर लॉकडाउन है तो सब कुछ बंद है. नहीं वैसे चलती तो चलती है. ना, वैसे चलती थी. हाँ वैसे तो चलती है. हाँ जी. हाँ वहाँ से 883 नंबर भी चलती है मधुबन चौक. 883 मधुबन चौक से हाँ उत्तम जी. नगर और डिस्ट्रिक्ट सेंटर उतर जाती है तो रास्ते में विकासपुरी पड़ता है. जे ब्लॉक से शुरू होता हाँ है जी. मेरा. मैं वहाँ पर कई मैंने साल बिताए हैं वहाँ पर, वहाँ की गलियों में. ओके. बताएं आपका क्या इमिग्रेशन के पॉइंट से क्या आपकी सर प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है? मैंने मैंने प्लानिंग किया है. एक्चुअली आई वांट टू सेटल डाउन कनाडा विद माय फैमिली. अच्छा ठीक है, अच्छा बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि दिल्ली में यू नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रॉड्स पीपल्स सिटिंग दिल्ली. ठीक है, दिल्ली में तो फ्रॉड्स पीपल हैं सर. ये आपने दिल्ली के बदनामी थोड़ी कर दी. आपने दिल्ली में फ्रॉड्स पीपल, फ्रॉड पीपल ब्रदर हर जगह हो सकते हैं. कनाडा में जितने फ्रॉड पीपल हैं उतने दिल्ली में भी नहीं हो सकते. मैं आपको बता दूं पहली बात, ओके. जितने जितने फ्रॉड पीपल, जो आपने फ्रॉड पीपल का नाम लिया ना, जितना के भी फ्रॉड पीपल हैं दिल्ली में, थोड़ा सा मेरे को ये लगता है कि दिल्ली की थोड़ी सी बदनामी ज़्यादा है कि दिल्ली में फ्रॉड पीपल ज़्यादा हैं. पंजाब पंजाब में फ्रॉड पीपल नहीं है? पंजाब में भी फ्रॉड नहीं, पीपल हैं, कनाडा पंजाब में भी, हर मोहाली जगह. मोहाली मोहाली तो फुल भरा हूँ वहाँ पे. फ्रॉड उसके साथ होता है, फ्रॉड उसके साथ होता है जिसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है. राइट. अगर मैं किसी भी दूसरे बिजनेस में जाऊं, जैसे मैं अकाउंटेंट के पास जाऊं या कोई और भी, तो वो देखेगा कि भी इसको नॉलेज नहीं है, तो वो भी हमको चूना लगा सकता है. इमीडिएटली कुछ ना कुछ और कोई स्कीम बेच देगा या कुछ कर देगा. या आप जनपद पे चले जाओ, वहाँ पर कोई शर्ट, आपने बोला कि ये शर्ट थी 200 रुपए की है, पता नहीं उसके जवाब देखेगा आपको, शर्ट के फैब्रिक की नॉलेज नहीं है, हो सकता है कि आपको कुछ और घटिया माल आपको बेच दे. तो चूना तब लगता है कि जब अगले कस्टमर एक अवेयर नहीं है. तो दिस कैन हैपन एनीवेयर. बाकी अगर आप अवेयर हो तो आपको कोई बेवकूफ जल्दी से बना नहीं पाएगा. एनीवे बताएं क्या हुआ फिर, AIPP के बारे में क्या नहीं, है? एक्चुअली क्या है कि मैंने पहले अप्लाई किया था, आई थिंक माइट बी 3 ईयर्स बैक, एक बंदे से कनाडा के लिए. तो उसने मेरे को कहा था कि मॉनिटर में कोई वैकेंसीज निकली हुई है, दैट आई विल पे 3 लाख रुपीज़ टू हिम. ठीक है, बट ही रिफंडेड मी बिकॉज वो रिलेशन में थे, तो ही रिफंडेड माई मनी बैक. दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर मी, क्योंकि हाँ ठीक है, पैसे वैसे वापस मिलते नहीं है. सही बात तो है. पैसा गया कोई एक्चुअली वापस करता नहीं, कोई नहीं करता हाँ सर. हाँ हाँ मगर उसने जो पैसे थे तोड़ तोड़ के दिए, चलो मगर वापस आ गए. मगर मैं क्या, मतलब एक्चुअली मेरे को एक कस्टमर का फ़ोन आया था, आई थिंक परसों तरसों शायद. तो दे सेड लाइक, मैंने एक्चुअली होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा किया हुआ है यहाँ पे इंडिया में, और मेरे पास लाइक आई ऑलमोस्ट 9 ईयर्स एक्सपीरियंस भी है. तो मैंने उनसे बात किया था कि मेरे को कनाडा में सेटल डाउन होना, समथिंग लाइक दैट. तो उन्होंने कहा था कि आपके जो कनाडा ने एक नया प्रोग्राम निकाला है AIPP, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, बॉस रवि, मेरे को आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी. आप अगर आप कंसल्टेंट का नाम लेना चाहे तो ले लें, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा. मैं चाहता हूं कि लोगों को पता लगे कि भी कौन ऑफर दे रहा है ऐसे. अगर आपको बुरा ना माने तो आप कर दें, बाकी इट्स योर डिसीजन. सर मेरे को चेक करना पड़ेगा, कैन यू होल्ड द लाइन प्लीज. अच्छा आपको याद नहीं है कि नहीं याद तो है, मगर मेरे को उसको थोड़ा राउंड वर्ल्ड इमिग्रेशन नाम से है, चलो छोड़े, ये दिल्ली में है. दिल्ली में है, और आई थिंक इनका ऑफिस है नेहरू प्लेस में. ओ चलो अदर अच्छा, तो नेहरू प्लेस में. ये आपको जॉब ऑफर के बारे में दे रहे हैं क्या? क्या कह रहे हैं ये, आपको AIPP कैसे नहीं नहीं कराएं? नहीं 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 जॉब ऑफर नहीं दे रहे हैं. हाँ दे सेड कि हम आपको AIPP करवाएंगे, ये टोटली डिपेंड है एम्प्लॉयर के ऊपर. ओके ठीक है, अगर एम्प्लॉयर आपको हायर करता है देन वी कैन प्रोसेस योर फाइल, हम आपकी फाइल डालेंगे एज ए PR. यहाँ तक बात मेरे को पसंद आ रही है. यहाँ तक ये उसने बिल्कुल सही करा कि एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट है. अगर एम्प्लॉयर ने आपको जॉब ऑफर दी तब आपकी फाइल चल पड़ेगी. इतना तक ठीक है, आगे क्या हुआ? आगे फिर उन्होंने अपना कुछ बताया कि हमारा इतना तक चार्जेस है. ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा है कि लाइक आई यू आर रजिस्टर्ड विद IRCC, जो कनाडा की रजिस्टर्ड कंपनी है. तो उन्होंने कहा कि देखो हम ऐसे रजिस्टर्ड तो नहीं है, बिकॉज वहाँ पे कनाडा के जो बंदे हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं उसमें.
सही बात हम है, लोग वहाँ के लॉयर के बंदे जो लॉयर है कनाडा में उनसे हम रजिस्टर्ड हैं, हम आपकी जो फाइल है उनको भेजेंगे, हाँ लाइक पहले आपके डॉक्यूमेंट भेजेंगे, अगर इफ़ यू आर लाइक आपका डिप्लोमा ठीक है, आपका एक्सपीरियंस भी ठीक है, तो हाँ लॉयर चेक करेगा, देन ही विल रिपोर्ट बैक टू मी, उसके बाद आप पेमेंट देना, उससे पहले अभी कुछ मत दो, लाइक पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, तो वही पूछा कि ये प्रोसेस सही है कि नहीं है, लाइक उन्होंने जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है ऐसी। सर जी, यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन उसने बहुत सही इन्फॉर्मेशन दी है, और मैं वारी जाऊँ ऐसे कंसल्टेंट से जिसने आपको इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है, अदरवाइज इतनी भी बताने की जरूरत नहीं थी। इतना जहाँ तक उसने कहा है कि मैं लाइसेंस नहीं हूँ, मैं आपकी एप्लीकेशन वहाँ से भेजूंगा, वो लोग करेंगे, वो चेक करके वो करेंगे, तो बीच में कोई ना कोई कमीशन वगैरह होगी, दैट्स फाइन। सो इतनी इतनी बात इन्फॉर्मेशन सही है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये भी सही है कि एम्प्लॉयर अगर वहाँ पर अगर आपको नौकरी देगा तब आपका वो शुरू होगा। तो इतनी यहाँ तक तो बातें बिल्कुल भी इसमें कोई गलत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। नहीं क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, आई एम रियली स्कैड बिकॉज यू नो मैं ऑलरेडी अपने 3 लाख रुपीज पहले खराब कर चुका हूँ, और आई हाँ थिंक मैंने अभी लास्ट ईयर दिसंबर में एक कंपनी है यहाँ पे एनएसपी में वीजा हाउस नाम से, तो अच्छा उन्होंने भी मेरे को ज़्यादा फोर्स किया कि सर आप पीआर के लिए, पहले उन्होंने मेरे को बोला कि सर हम लोग वर्क परमिट अप्लाई अप्रूव करवाते हैं ठीक है एज पर द ओके एलएमआई, तो ओके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दैट्स वेरी गुड, तो उन्होंने बोला अगर आपको अप्लाई करना है, तो मैंने कहा कि मेरे को वहाँ पे सेटल होना है तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, तो उन्होंने मेरे को अपना फोर्स किया कि आप पीआर के लिए जाओ, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू सेटल डाउन, तो मैंने उसको सब कुछ बताया कि मेरी इतनी, क्योंकि इफ़ यू वांट टू सेटल डाउन इन पीआर तो यू हैव टू डन लाइक बैचलर्स, आपके पास बैचलर होना चाहिए, वो मेरे ओके पास नहीं था, तो उसने मेरे को ओके पहले नहीं बताया, क्लियर नहीं किया, देन आई पे हिम 30,000 रुपीज़ फॉर लाइक रजिस्ट्रेशन फीस मैंने उसको दे दी है, तो अब क्या है वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, वो कह रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, आपके ये रेडी नहीं है, वो रेडी नहीं है, तो मैंने उनसे बोला आपके कैनेडा ने इतने प्रोग्राम निकाले हैं, पीएनपी प्रोग्राम निकाला है, एआईपीपी प्रोग्राम निकाला है, किसी में तो होगा, डिप्लोमा बेस पे भी गया, एम्प्लॉय हायर करेगा कुछ भी है, तो उन्होंने एलएमआई का जो मेरे को चार्ज बताया कि एलएमआई के थ्रू अगर आप चाहते तो 22 लाख रुपये आपको देने पड़ेंगे ठीक है, 22 लाख, और बोला कि हाँ, मैंने कहा उन्होंने उनसे बोला मैम 22 लाख में आप लोग को पता कितने जीरो होते हैं, यू नो वेरी वेल कि 22 लाख इज़ वेरी बिग मनी फॉर इंडियन पीपल ठीक है, क्योंकि भाई इंडिया में बंदा रह रहा है तो 22 लाख को पता कितनी वैल्यू है, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो आपको यहाँ पे नहीं देने हैं, वो आपको यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा आपका ठीक है, और वो आपके जो वहाँ पे आप जॉब करोगे आपके अकाउंट से कटेंगे, तो मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कोई अकाउंट से होना कर सकता है, तो उनको मैं 30,000 रुपये दिए तो अभी तक रिफंड नहीं हुए वो, अब उन्हीं का स्टिल वेट कर कितने रहे हैं, बोल कितने रहे हैं कितने दिए, अकाउंट कितने दिए? 30,000 30,000, वो थर्टी 30,000 थाउजेंड गए आपके? नहीं वो ये रहे लॉकडाउन खुलेगा तन वो वी लॉकडाउन डिस्कस कब खुलेगा, वो 30,000 कब, 30,000 का लॉक हो गया, वो 30,000 में भी लॉक लग गया लगता है। तो ये अब देखो, जो पहले कंसल्टेंट और ये दूसरे से देखो जमीन आसमान का फर्क आ गया। जो इन्होंने ये बातें बताई हैं, इसमें सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो ये जो 22 लाख की बात है, LMIA बेचना गैर कानूनी है। LMIA के बाद अगर आपको, चलो 22 लाख, अच्छा ऑफकोर्स आई डू नॉट से कि कोई किसी को देना चाहिए, अगर बाय चांस किसी ने आपको जॉब दे भी दी तो वो जॉब चलेगी नहीं चलेगी। कई ऐसे भी केसेस यहाँ आए हैं जो LMIA के बाद यहाँ पर वर्क परमिट पे पहुँचे हैं, जब वो एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ पर वह जॉब ही नहीं थी। वो तो उन्होंने कहा कि हमें तो आपको मंगाना था, बस मंगा के आप जो मर्जी करना करो, कैश काम करो, इलीगल काम करो, कोई दूसरा LMIA लो, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूसरे शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा इसमें लोचा है। और पहली बात तो ये है कि जब उसको पता ही था कि आप एलिजिबल नहीं हो, तो पहले 30,000 लेने की जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी तो ये बाद में बताया ना उन्होंने कि ये है ये है। हाँ उन्होंने पहले बाद में वो बताया हाँ पहले या तो पहले ऐसे बोल देते कि भाई मेरे कंसल्टेशन चार्जेस हैं, मेरे को आपसे बात करना है, मेरे को आपसे बात करने के लिए इतने चार्जेस हैं, 5,000, 10,000, वट एवर, यू नो, जस्ट एक्स, मेरे इतने चार्जेस हैं, आप मेरे पास 2 घंटे बैठो, मैं आपको सारी रिक्वायरमेंट बताऊंगा, और नॉन रिफंडेबल मेरे कंसल्टेशन चार्जेस है, उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो तभी आगे गाड़ी बढ़ेगी, नहीं तो यहीं से खत्म। या तो पहले ऐसे ऐसे बोल देता, लेकिन उसने ये कहा कि भी मैं आपको कराऊंगा और पहले पैसे ले लिए और बाद में कहा कि नहीं आप एलिजिबल नहीं हो। ये थोड़ा सा यू नो वहाँ मेरे को अनएक्सेप्टेबल थोड़ा चीज है। सा वहाँ मेरे को थोड़ा डाउट हुआ उन पर, फिर मैंने उनको फोर्स भी किया कि भैया मेरे को प्रोसेस नहीं करवाना है, मेरे को अपने पैसे वापस चाहिए, तो उन्होंने बोला सर अब तो लॉकडाउन हो गया है, तो अब लॉकडाउन के बाद जब ओपन हो गया देन वी कैन टॉक रिगार्डिंग फर्दर, मैंने कहा ओके इट्स फाइन, नहीं, बाद मेरा सवाल उनसे था कि पैसे रिफंड करने के लिए लॉकडाउन क्या है, पैसे तो आप दे दो,
अगर लॉकडाउन के बाद अगर मेरी एलिजिबिलिटी होगी नहीं होगी उसके बाद हम फिर देंगे जो करेंगे, तो पैसे देने के लिए तो कोई लॉकडाउन नहीं है ना, पैसे तो उन्होंने वहां लिए होंगे, ऐसा तो नहीं कि पैसे उन्होंने सीधे कनाडा 30,000 रुपए भेज दिए जी, और बीच में नहीं, वहां इंटरनल जो रेमिटेंस भी खत्म हो गया जी, अब नहीं आगे लॉकडाउन हो गया, सारे वायर ट्रांसफर रुक गए, ऐसा तो है नहीं है, नहीं वो ये बोलते सब कि बहाने हैं। हमारे जो एमडी है दे आर लिविंग इन कनाडा, ठीक है, आपका तो एमडी, उनसे वहाँ नहीं, उनकी जो अच्छा कंसल्टेंसी वाले के उनका जो एमडी, अच्छा उनका एमडी, अच्छा दे नहीं लिविंग लिविंग इन शी इज कनाडा लिविंग मतलब कनाडा, वो कौन है, वो सिटीजन है, कौन है वो कोई लॉयर है? नहीं लॉयर बता रहे कि वहाँ पे लॉयर है वो, लॉयर का शी इज नाम क्या लॉयर, उनका नाम नहीं बताया उसने मेरे है को। यार भाई साहब? ठीक है चलो कोई, ये तो पता बात क्या हुई, बात पता क्या हुई, मैं किसी हॉस्पिटल जाता हूँ और हॉस्पिटल वाले कहते हैं भाई साहब आपका मैंने ऑपरेशन करना है, ठीक है ऑपरेशन हो जाए कर देंगे, ठीक है जी आपने इतने जमा कर दिया ऑपरेशन होना है, तो मैंने उसको बोला को भाई साहब मेरे को बता दो डॉक्टर साहब कौन है, डॉक्टर शर्मा डॉक्टर गुप्ता कौन है, वो कह रहे डॉक्टर का नाम नहीं बताएंगे, जब आप अंदर जाओगे जब आपको काटा पीटा होगी और कि जब आपको खोलेंगे तब बता देंगे, डब तब देख लेना, तब तो पता ही, तब तो खुल ही जाएंगे हम, तो पेट खुल ही जाएगा हमारा, लेकिन डॉक्टर का नाम तभी बताएंगे आपको, ऐसे नहीं बताएंगे। तो यार मैं उस हॉस्पिटल के बारे में क्या सोचूं, अगर कोई इंसान बोल रहा है कि जी आपको जॉब दिलवाएंगे फलाना करेंगे जो भी कोई प्रोमिसेस है, आई डोंट वांट टू डेवलप ऑन क्या प्रोमिसेस है उनके, जो इंसान जो मेन एक्टर है इसके पीछे, जो सीन है जो ड्रामे के पीछे जो मेन डायरेक्टर है, जो कोई कैनेडियन लॉयर है जो भी कुछ है, अब वी डोंट इवन नो कि लॉयर है कि नहीं है, तो हमें उसका, अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं उसको कहूंगा भाई साहब मेरे को पूरा उसका नाम चाहिए, मेरे को उसकी जो लॉयर का उसका जो मेंबरशिप है वहां पर जो है उसका मेरे को एक फोटोकॉपी चाहिए, और फिर मैं खुद जाके उससे बात करूंगा कि भाई क्या चक्कर है। तो जो इस बिजनेस में जो लीगल सर्विसेज देता है उसमें जो जो नीचे हैं, जो नीचे जैसे एजेंट हैं क्लर्क हैं असिस्टेंट हैं रिसेप्शनिस्ट हैं, उनका कोई वजूद नहीं है सब में। अल्टीमेटली अगर एप्लीकेशन जाएगी तो उस लॉयर के साइन होने जरूरी हैं, लॉयर इज इन्वॉल्व इन इट, अगर है तो उससे हमारा दिखना जरूरी है। हम कोई हॉस्पिटल जाते हैं, हम कोई कंपाउंडर से बात करते हैं क्या, हम कोई पहले रिसेप्शन से बात करते हैं कि जी हमें सिर दर्द ठीक करना है जी हमें, हम तो हमारा तो मतलब है कि जो डॉक्टर कौन है, डॉक्टर क्वालिफाइड है, डॉक्टर जो हमारे लिए जो सही है उससे हम अपनी अपनी बात करेंगे बीमारी की, कि हम ये राइट जो हॉस्पिटल के जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उन्हें अपनी बीमारी बता देंगे, या जो रिसेप्शन जो पैसे लेते हैं जो बिल लेते हैं उसे बता देंगे, तो हमें डॉक्टर का पता करना है जो मेन है। इसी तरह से आपको भी पता करना है कि जो मेन इंसान जो मेन जो एक जो डायरेक्टर है इसको जा रहे जो टोपी घुमा रहा है वो कौन है। सर, एक्चुअली क्या था, मेरे को ये जो अभी जो मैं कंसल्टेंसी आपको बता रहा हूँ, ये अपना अराउंड वर्ल्ड जो मेरे को बता रही है एआईपी के पेपर प्रोसेस के लिए, तो इनसे मैं ऐसे कैसे क्वेश्चन करूँ कि पता लगे हाँ भाई दे आर राइट पर्सन, क्योंकि सर जी अभी तक मैंने मैं सारी आपको बातें मैं सुनी। मैंने आपको आंसर ऑलरेडी दे चुका हूं, मैं आपको आपको जो एआईपीपी वाले भी जो हैं जो पहले वाले हैं उनसे आपको पहले सबसे पहले ये जब उन्होंने कहा है कि आपका रेज्यूमे हम भेजेंगे कनाडा भेजेंगे वो इवैल्यूएट करेंगे वगैरह वगैरह, तो सबसे पहला जो सवाल है इसको आप लिख लो याद कर लो अदरवाइज रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लेना, सबसे पहला सवाल तो ये है कि वो इंसान कौन है जो कनाडा में मेरा रेज्यूमे चेक करके मेरे को आगे फर्दर इसको रिव्यू करेगा कि मेरे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, वो इंसान कौन है, वो कौन है, लॉयर है आईसीसीआरसी लाइसेंस मेंबर है या नोटरी पब्लिक है कौन है, आई नीड टू गेट द फुल नेम, और मेरे को उसकी उसकी आईडी की कॉपी चाहिए या फोटो कॉपी उसका लाइसेंस का वो चाहिए, तब मैं थोड़ा आगे सोचूंगा। नंबर 1। नंबर 2, जो भी हम पैसे देते हैं, हम पैसे देते हैं नेहरू प्लेस में बैठे किसको नहीं देते, हम पैसे देते हैं लॉयर के नाम पे, लॉयर जैसे से जो जो भी इंसान वहां पीछे बैठा है होपफुली लॉयर है, तो उस चेक जो काटते हैं उसके नाम पे काटते हैं और ऑफिशियली इट हैज टू गो इनटू हिज अकाउंट, और आपको रसीद लेनी चाहिए। अगर कई लोग ये भी गलती करते हैं कि जैसे जैसे आपने कहा दिल्ली में फ्रॉड आई है तो हम जाके उठा के कैश दे देते हैं, कैश की ना कोई रसीद की कोई वैल्यू है ना कोई पता है ना कोई ट्रैकिंग है कुछ नहीं है, अगर आप चेक दोगे दो एटलीस्ट एक ट्रैकिंग होता है कि चेक वाकई किसके अकाउंट में गया, अगर खुदा ना खास्ता कंप्लेन करनी पड़ी तो एक आपके पास ट्रैकिंग सिस्टम है, और अगर लॉयर बैठा ही है अगर कनाडा में तो हम डायरेक्टली उसको वीजा मास्टर कार्ड से क्यों ना दें, क्योंकि उसके जो ऑनलाइन पे करते हैं या क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो डायरेक्टली उसी के अकाउंट में जाएगा जिसको जो ऑफिशियली ऑथराइज है, वो एक सही चीज है। आखिरी सवाल मैं उनसे ये पूछूंगा कि भाई साहब ठीक है हम तो आपके लिए एक क्लाइंट हैं लेकिन कृपा करके हाथ जोड़ के आपसे एक विनती है कि आप बता दें कि पिछले 6 महीने में या पिछले 12 महीने में आपने कितने शिकारों को भेजा है जिनकी एआईपीपी आज लग गई है।
ठीक अगर अगर ये चार सवाल पे गौर करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। नहीं, उन्होंने मेरे को कहा था कि इसमें कम से कम साल लग जाता है, पूरा साल लग जाएगा, 6 से 8 महीने लगेंगे पूरे। सर जी आपकी मर्जी है, वो चाहे कुछ कह रहे हैं, मैंने आपको चार सवाल बता दिए। अगर आपको तो उन्होंने कहा था अगर कि आपको हमारे कुछ कुछ सभी आपको चार्ज फायदा भी लेना है। है, आपको कुछ फायदा लेना है तो चार सवाल का इस्तेमाल करके अपने अपने आप को सुदृढ़ करें, अपने आप को मजबूत करें। नहीं, वो कहते कि उनका सर्विस चार्ज भी है ना कुछ, तो वो तो फिर उनको देना ही पड़ेगा, तो सर थोड़ी जी कंपनी मर्जी को है, जाएगा। आपके आपके पैसे हैं, आपको जिसको देना है दें। मैंने आपको बता दिया ना कि पैसे देने के लिए मेरे को चाहिए ना, आदमी कौन है, किसको पैसे जा रहे हैं, जो मेन आदमी है वो कौन है। ये जो काम एग्जाम्पल, करवाता है वो लॉयर ही होता है, राइट? वो लॉयर ही होगा। ये तो एग्जाम्पल ये हुआ कि मैं एक विकासपुर में, कौन सा हॉस्पिटल है आसपास वहां पर पड़ा, एक वह है माता चंदन देवी हॉस्पिटल है, जनकपुर माता सी पड़ा, चंदन देवी हॉस्पिटल। हाँ चंदन जी देवी माता है। देखिए मैं दिल्ली के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। मैं ये ना समझे कि मैं दिल्ली के बारे में मेरे को कोई ऐसे कोई गुमराह नहीं कर देगा। मैं नहीं माता चंदन देवी अस्पताल में जाऊँ जनकपुर सी ब्लॉक में, और मैं मेरे को पैसे देने के लिए जब देना है पैसे, तो मैं बाहर सिक्योरिटी गार्ड को पैसे पकड़ा आया हूँ, या कोई नर्स को पैसे पकड़ा दूँ। पैसे जिसको देने हैं, जो प्रॉपर रसीद चाहिए उसी के नाम से आएगी ना रसीद, जिसके नाम पे उसका ऑथराइज अकाउंट है जहाँ पैसे जाने चाहिए। उसी तरीके से इस लीगल बिजनेस में पैसे ऑफिशियली जाने चाहिए उसके नाम पे जो मेरी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मीन्स कि अगर लॉयर उसमें इन्वॉल्व है तो लॉयर के सिग्नेचर होंगे, तो जब लॉयर के सिग्नेचर होंगे तो मेरी रसीद भी वहीं से आनी चाहिए, और मेरे जो भी उसके अकाउंट में जो भी देना है ट्रैकिंग वहीं से होनी चाहिए। नेहरू प्लेस वालों को, बीकाजी के कामा प्लेस वालों को, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर वालों को पैसे देने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, उनके पैसे अलग से हो सकते हैं, तो मैं उनसे ये बोलूंगा कि भाई आप मेरे को बताओ कि आपकी टोटल फीस कितनी है। जैसे आपने बोला 30,000 फीस है, 30 बोले ना आपने, कितने, 30,000 कितने बोले, नहीं, वो तो उनके ऐसा भी शायद 80,000 रुपये। 80,000 रुपए। तो 80,000 रुपए आपकी टोटल फीस है, तो 80,000 रुपए में आपका कितना है, लॉयर का कितना, पहले तो मेरे को ब्रेकअप बता दें। हाँ, लॉयर का मानते हैं, लेट्स से कि लॉयर का इतना है, आपका इतना है, तो हम आपको ऐसा करते हैं, इतने मैं लॉयर के नाम के चेक दे रहा हूँ, ये आप लॉयर को भेज दो भाई, और इतनी आपकी जो है ये दूसरी चेक आप ले लो भाई, एंड ऑफ द स्टोरी। पहले लॉयर का तो पता चले कि भाई लॉयर को पैसे हमें कितने देने हैं, क्या करना है, वो लॉयर पहले क्वालिफाइड भी है कि नहीं है ये भी नहीं पता, ये भी नहीं जी पता कि उस लॉयर ने अभी कितने केसेस ये किए हैं, वो कैसे आपको जॉब देगा नहीं देगा। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी आस्क्ड टू द लॉयर फर्स्ट। जब आपको पता लग जाए कि हाँ एक सही जगह पर आ गए हम, हाँ पैसे उसके बनते हैं, पैसे देकर काम होगा, तब तो आप लॉयर को सीधे चेक दें, ऑलवेज राइट चेक्स। ओके, इतना इतना काफी आज के लिए, काफी है सर। इतने से कुछ पक्का मेरे फायदा, द्वारा का इतने से कुछ फायदा होगा आगे की जिंदगी में, क्या फायदा हाँ हाँ होगा। सर, बिल्कुल पता लगेगा उनके बारे में कि कैसे वो ट्रस्टेबल पर्सन है कि नहीं है। एटलीस्ट मेरे को अब ये पता है कि अब दिल्ली का इंसान, विच इज यू, मेरे को बहुत तकलीफ होती है कि अगर दिल्ली का इंसान धोखा खा जाए जिंदगी में, तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि बाकी आप भी है बाकी क्या ना? बाकी कहीं के लोग, आई एम नॉट सेइंग कि बाकी लोग धोखा खाएं, आई एम नॉट यू नो एनकरेजिंग दैट एज वेल, पर एक दिल्ली का इंसान अगर धोखा खा जाए तो मेरे को अंदर से दिल में ऐसे चुभ जाती है, मेरे को लगता है कि ये कैसे हो गया। दिल्ली का इंसान धोखा नहीं खाना चाहिए कहीं पर। यस सर, अब मैं उनसे पूछता हूँ, कल सुबह फोन करके पूछूंगा कि इससे जवाब दो, वो तो अगर हमें जानता अगर है ये इससे। अगर ये वीडियो देख लिया उन्होंने तो वैसे ही सतर्क हो जाएंगे, वो कहेंगे भैया टेंशन क्या आ रहे हैं आप, हमसे नहीं ध्यान रखे जाए। नहीं वीडियो तो देख ही लेंगे उनको, हाँ, मैं स्पेशली लिंक मैं चाहता हूँ कि जितने भी नेहरू प्लेस में और कनॉट प्लेस में, जहां जहां पर भी ये खुले हुए हैं, जैसे इमिग्रेशन ऑफिसेस खुले हैं, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी वीडियो आपकी और इस तरह की और भी हैं, अगर ऐसे वो देख लेंगे तो मेरे ख्याल है कि सारे वो एक होशियार हो जाएंगे कि भाई अगले कस्टमर से बात करनी है तो भाई ऐसे एहतियात करके बात करनी है, अदरवाइज यू नेवर नो कि उनका भंडा फोड़ ना हो जाए कहीं कोई। अगर मान लो कोई, आई एम नॉट सेइंग कि सभी सभी प्रॉब्लम है, जहां पर प्रॉब्लम है तो वहां प्रॉब्लम होने से आप एटलीस्ट वो पैसे आपके चीट होने से बच जाएंगे। चलो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर। अगर पक्का उन्होंने आंसर दिया देन आई विल गेट बैक टू यू टुमारो देन। थैंक नो प्रॉब्लम, टेक केयर, थैंक यू। यू सर, मैंने थैंक यू। मैंने मैंने आपको दवाई दे दी है, दवाई आपकी सारी उम्र काम आएगी।